ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 मई को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में किए गए एक वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया है कि कर्नाटक में अगर उनकी सरकार बनी तो बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक के होसपेट पहुंचे हुए थे। यहां मोदी ने कांग्रेस पर हमला कर दिया। मुद्दे को सीधा बजरंग बली से जोड़ते हुए क्या कहा, सुनिए। और आज जब मैं यहां हनुमान जी की पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जिन्ना भी जिंदा होते तो इस तरह का घोषणा पत्र कतई ना देते। PFI को बैन किया है, कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा, कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा, कांग्रेस बोल रहा है कि गोहत्या का विरोधी कानून को, गोहत्या विरोधी कानून को मैं दोबारा, मैं गोहत्या को रेगुलराइज कर दूंगा, कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको भी बंद करने का बात बोल रहे हो। देखिए वो लोग सारे जो भारतीय है, सारा भारतीय जो स्पिरिट है उनका खिलाफ बोल रहा है कर्नाटक में, ये एकदम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी बन चुका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाए जाने को लेकर किए गए वादे पर बवाल शुरू हो गया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी हिमांशु ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।